समुद्र के किनारे बसा मुंबई जहाँ रोटी और कपड़ा मिलना जितना ही आसान है, सर पर छत होना उतना ही मुश्किल। लेकिन एक बार अगर सपनों के इस नगरी में किसी ने अपना घर बना लिया ना, तो समझ लीजिए कामयाबी उसके कदम चूम रही है। क्योंकि मुंबई में घरों की कीमत सोने के भाव है। माया नगरी में दोस्तों एक छोटा सा कमरा बनाने में भी लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है एक परिवार ऐसा है जिसने माया नगरी के 20% हिस्से पर अकेले कब्जा कर रखा है? जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप सुनेंगे ना, तो बॉस आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप मन ही मन दुआ करने लगेंगे, काश यार ये परिवार हमें गोद ले ले। दोस्तों मुंबई शहर जितना अनोखा है, इसका इतिहास उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है तब से जब भारत पर अंग्रेजों का राज चलता था। क्योंकि दोस्तों समुन्द्र के तट पर बसा छोटा सा मुंबई हमेशा से ही एक शहर था और खूबसूरती के साथ साथ व्यापार के नजरिए से भी एकदम बढ़िया। ये बात भी अंग्रेजों को समझ आ गई थी, तभी तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा करने की सोची और अंग्रेजों के राज्य में यहाँ इतना विकास हुआ कि छोटा सा शहर मुंबई माया नगरी में बदल गया। शुरुआती दिनों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई तो आसपास के लोग मुंबई में काम करने के लिए जाने लगे। लोगों की भीड़ मुंबई में बढ़ने लगी और एक दौर भी ऐसा आया जब अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये जगह बिजनेस हब बन गई। मुंबई को तेजी से विकसित होता हुआ देख ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही विक्रोली, भांड और नहर इलाकों में अच्छी खासी जमीन अपने नाम कर ली। लेकिन समय के साथ अंग्रेजों को लगा कि ये जमीन उतनी भी फायदेमंद नहीं है, जिसके बाद 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जमीन बेचने का फैसला किया, जिसे खरीदा उस समय के मशहूर बिजनेसमैन फ्रेमजी कोवास जी बैंजी ने। ये अपने समय में चाइना से ट्रेडिंग करने वाले बड़े व्यापारियों में से एक हुआ करते थे। अब उस समय इन्होंने अंग्रेजों से ये जमीन कितने में खरीदी, इसका कोई पुख्ता लेखा जोखा तो नहीं है। लेकिन बाद में जब फ्रेमजी कोवास जी बैंजी को बिजनेस में नुकसान हुआ तो उन्होंने इस जमीन को बेचने का फैसला किया। तब तक मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर बन चुका था, जिसके इतने बड़े हिस्से को बेचना और खरीदना कोई आसान बात तो थी नहीं। इसलिए भाई बकायदा बोली लगवाई गई, वो भी मुंबई हाई कोर्ट द्वारा। इस बोली में देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बोली लगाकर पिरोज शाह गोदरेज ने 3400 एकड़ की ये जमीन अपने नाम कर ली। जी हाँ दोस्तों, हम उसी गोदरेज कंपनी की बात कर रहे हैं जो पिछले 125 सालों से टीवी से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में तहलका मचाए हुए है। हालांकि दोस्तों जिस टाइम गोदरेज परिवार ने जमीन खरीदी थी, उस टाइम मुंबई का ये इलाका शहर का केंद्र नहीं था, इसे लोग साइट का हिस्सा मानते थे, जिसके कारण कम पैसों में ही फिरोज शाह को इतनी बड़ी जमीन मिल गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुंबई ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। समुन्द्र के किनारे बसा छोटा सा शहर इतना बड़ा हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके बाद गोदरेज परिवार द्वारा खरीदा गया ये इलाका शहर के अंदर आ गया और इसी के बदौलत गोदरेज परिवार के पास मुंबई की 20% जमीन है, जिसके ये अकेले हकदार है। सालों पहले खरीदा गया 3400 एकड़ का ये एरिया प्राइम लोकेशन हो गया है, जिसकी कीमत के बारे में सुनकर भाई बड़े बड़े बिल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। असल में जमीन का 3050 एकड़ एरिया विक्रोली में है और बचा हुआ 350 एकड़ का एरिया भांडो पर नाहौर में है। हालांकि गोदरेज परिवार ने इसमें से कितने बड़े हिस्से का इस्तेमाल किया, जरा आप भी नजर डाली लीजिए। क्योंकि जब पिरोज शाह गोदरेज ने ये जमीन खरीदी थी तो गोदरेज फैमिली उसके बाद काफी ज्यादा फैलती चली गई। इस जमीन पर हक जताने के लिए पूरी पीढ़ी तैयार थी। आज के टाइम पर तो इस जमीन की कीमत 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि 3400 एकड़ में से जो 300 एकड़ है उसमें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, यानी कि स्लम एरिया बनकर तैयार हो गया है जहां कई सारे लोग रहते हैं, और इसी कारण गोदरेज परिवार उन लोगों को हटाकर यहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है। इस तरह दोस्तों ना जाने कितनी सारी जमीनें ऐसी हैं जहां पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि गोदरेज परिवार को उसे छोड़ना पड़ गया। और सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि 1750 एकड़ की जमीन तो अकेले घास फूस से भरी हुई है, जिसे ना ही गोदरेज परिवार का कोई सदस्य हटा सकता है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन करा सकता है। क्योंकि दोस्तों इकोसिस्टम को चलाने वाला एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा करने की परमिशन नहीं दे रहा है। यही कारण है कि इतनी बड़ी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है और जो बचा हुआ 1000 एकड़ का हिस्सा है उसमें कई तरह के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी फैमिली डिस्प्यूट्स की दिक्कतें सामने आ रही है, क्योंकि हर कोई इतनी बड़ी जमीन पर अपना हक चाहता है, जिसमें से परिवार के कुछ सदस्य जमीन पर अकेले मालिकाना हिस्सा बताते हैं। तो कुछ का कहना है कि भी जमीन में सभी का हक है, यानी कि दोस्तों इतनी बड़ी जमीन का एक तिहाई हिस्सा ही केवल काम में लिया जा सकता है, लेकिन इसके हकदार इतने सारे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना या फिर डेवलपमेंट करना आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज अगर कोई एक बंदा वहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट कर भी दे तो क्या भरोसा कि आने वाले समय में परिवार के बाकी सदस्य उस पर अपना हक नहीं जताएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गोदरेज ग्रुप ने इस इलाके में अपनी कई सारी फैक्ट्रीज खड़ी की है, जिसमें गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस और गोदरेज टूलिंग जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट के वेयर हाउस और मशीनरी प्लांट भी गोदरेज ने यहाँ पर स्थापित किए हैं। वैसे दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वकालत छोड़कर गोदरेज भाइयों ने ताला बनाने से अपनी शुरुआत करी और आज साबुन से लेकर होम अप्लायंस तक, यहाँ तक कि घर के इंटीरियर से लेकर एरोस्पेस तक आज ये लोग सब कुछ बना रहे हैं।
तभी तो भारत में लोग गोदरेज कंपनी पर इतना विश्वास करते हैं। वैसे गोदरेज कंपनी की सक्सेस का राज केवल उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने की काबिलियत में भी छुपा हुआ है। तभी तो इस कंपनी में काम करने वाले लोगों को अच्छी सैलरी और काम करने के लिए अच्छा माहौल तो मिलता ही है, साथ ही मुंबई जैसी माया नगरी में रहने के लिए घर भी कंपनी प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉयज जहाँ रहते हैं उसे गोदरेज कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुंबई में जो बड़ी सी जमीन गोदरेज परिवार के नाम है उसमें कोई पर्सनल कंस्ट्रक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन दोस्तों कंपनी ने फैक्ट्रियों से लेकर रहने के लिए बिल्डिंग तक हर एक चीज बनाई है ताकि गोदरेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा तरक्की कर सके। हमारे हिसाब से दोस्तों यह परफेक्ट डिसीजन था, जहां गोदरेज ग्रुप ने बड़े ही शातिर तरीके से अपने लैंड का इस्तेमाल करते हुए सारे गोदरेज रिलेटेड कंस्ट्रक्शन अपने ही लैंड में करवा दिए। इन सब के अलावा इनके आईटी पार्क और कई सारे फाइव स्टार होटल्स भी मौजूद हैं और यही कारण है कि आज विक्रोली गोदरेज सिटी के तौर पर भी जानी जाती है। पर दोस्तों इनके लैंड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है जिस पर गोदरेज ग्रुप डेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन गोदरेज फैमिली में चलने वाले लैंड डिस्प्यूट्स के कारण आज गोदरेज ग्रुप दो बड़ी कंपनियों में पड़ चुका है, जिसमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसे आदि और नादिर गोदरेज चलाते हैं। हालांकि दोनों में दोस्तों कोई मतभेद ना हो इसलिए दोनों एक दूसरे की कंपनी के डायरेक्टर हैं और उनकी टीम भी एक दूसरे की कंपनी को संभालती है। यानी कि गोदरेज परिवार भले ही अपना व्यापार अलग कर चुका है लेकिन इन्होंने अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखा है। पर दिक्कत यह आ रही है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज यानी कि आदि गोदरेज द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियां चाहती है कि उनके नीचे बसे हुए लैंड जिसमें झुग्गी झोपड़ी और घास फूस उगी हुई है वहां कंस्ट्रक्शन करवाया जाए और डेवलपमेंट हो। उनके मुताबिक गोदरेज ग्रुप को डेवलपमेंट की खास जरूरत है, लेकिन वहीं स्मिता और जमशेद गोदरेज इस बात के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जो बचा हुआ लैंड है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए क्योंकि इन इलाकों का जो वातावरण है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है और मुंबई जैसे ज्यादा आबादी वाले शहर में इस तरह का इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी नजरिए से देखा जाए तो कंपनी के फायदे के लिए दोस्तों आदि गोदरेज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उन्हें अपनी जमीन पर काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो इकोसिस्टम ज्यादा जरूरी है और इस मामले में स्मिता और जमशेद गोदरेज बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि अंत में जीत किसकी होगी और किसकी बात को अहमियत दी जाती है ये तो भाई गोदरेज परिवार ही जाने। खैर ये तो थी दो कंपनियों की बात, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गोदरेज की एक और प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है गोदरेज होल्डिंग्स, जिसकी पूरी की पूरी गोदरेज फैमिली ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आती है और इनके मुताबिक दोस्तों पूरी फैमिली में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि जिसकी जैसे मर्जी है वो अपने हिसाब से अपने हिस्से के लैंड का इस्तेमाल करे, फिर चाहे उसे इकोसिस्टम के लिए दान करना हो या फिर कंपनी के फायदे के लिए डेवलप करना हो, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि किसके हिस्से में कौन सी जमीन जाने वाली है, क्योंकि अगर स्मिता के हिस्से मैनग्रोव ज्वाला एरिया आ जाता है तो वो क्या करेंगी ये देखने वाली बात होगी। क्या वो तब भी इकोसिस्टम के नाम पर अपनी जमीन को ऐसे ही रहने देंगी या फिर एक बिजनेस वीमन की तरह अपनी जमीन का इस्तेमाल करेंगी अपनी कंपनी को डेवलप करने में। पर दोस्तों 100 बातों की एक बात, करोड़ों की जमीन का मसला भले ही फंसा हुआ है लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य में खटास देखने को नहीं मिल रही है। हर कोई बड़ी सूझबूझ और शांति से इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मीडिया इसमें मिर्च मसाला लगाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती है लेकिन गोदरेज परिवार ने इसमें कोई भी हवा नहीं दी। बाकी आपको क्या लगता है, हजारों एकड़ के एरिया को इकोसिस्टम के लिए छोड़ देना चाहिए या फिर गोदरेज परिवार को उस पर डेवलपमेंट करना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।